अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, कल मैंने ना अपना मिनी जू का जो है वो स्ट्रक्चर बना लिया था सारा, और बस अभी उसकी टाइलें कुछ रहती हैं, वो मैं दूसरे प्लाट पे जाऊंगा, वो टाइलें लेके आऊंगा सारी, क्योंकि मेरे पास टाइल्स ख़त्म हो गई थी जो लेके आया था ना 31, वो सारी ख़त्म हो गई हैं। अभी दोबारा लेके आनी है तो वो मैं TR के ऊपर रखूँगा सारा, मतलब छत का जो मटेरियल है वो सारा वो कम्प्लीट करूँगा आज। और कल फ्रेंड बहुत ही जो है ना हम जलील हुए हैं, क्योंकि एक तो हमारा उस साइड पे कमरा सा बना हुआ है दूसरे प्लाट में, तो उसकी वजह से ना उसकी जो छत है ना मतलब पड़ियाँ सी वो बाहर आई हुई थी, तो बड़ी मुश्किल से हमने अल्टरनेट किया है छत के साथ, बड़ा अजीब तरीके से जुगाड़ लगाया हमने। तो बस दुआ करना ये जुगाड़ कामयाब रहे। तो अभी जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया था। तो फ्रेंड ये देखें माशाल्लाह से, ये हमने पिलर बनाया था फ्रेंड, ये वाला ये जब देख रहे हैं ना, ये पिलर ये हमने बनाया है इनको टेक करने के लिए, ठीक है, गार्डर्स और TR को, ठीक है। और काफ़ी काल हम ना जलील हुए हैं इधर, तो ये हमने इसकी लेंथ भी थोड़ी ज़्यादा कर दी है। अब वो वहाँ से भी एक ब्लॉक हटाया, फिर वहाँ तक वो ये आप देख रहे हैं सामने, तो ब्लॉक देख रहे हैं। ये हमने सारे अल्टरनेट किए हैं बड़े अजीब तरीके से। अब यहाँ पे 2 TR कम हो गए थे, वो ले के आऊँगा और इधर तक आएंगे वो ऐसे करके। तो ये जो है ना बहुत जुगाड़ी काम हो गया, लेकिन ये है कि सक्सेसफुल हो गया इंशाल्लाह। तो ये इधर अभी इनको सीमेंट वगैरह करना है, रात को अंधेरा हो गया था बहुत, तो फिर हमने नहीं किया, हम रात को सोए भी इधर ही हैं। और ये कज़न आए थे मेरे, उन्होंने साथ मेरी हेल्प की है सारी। तो ये अभी इधर सीमेंट वगैरह लगाएंगे, आप देख सकते हैं ये इसमें आएगी टाइल, इधर ऐसे करके ना टाइल लगेगी, तो टाइल लगा के ऊपर सीमेंट करके फिर शीट चढ़ाऊँगा। तो मैं जाऊँगा दूसरे प्लाट पे अपनी मर्सिडीज़ लेके, हाथ वाली रेडी, उसके ऊपर सारी टाइल्स लेके आऊँगा और फिर इसके ऊपर टाइल लगाऊँगा। आज काम बहुत सारा है, क्योंकि अगर रमज़ान स्टार्ट हो रहा है फिर रोज़ा रख के काम नहीं होता, तो आज मैं इंशाल्लाह ये सारा मेरा दिल है कि मैं कम्प्लीट कर। चले गंदे बच्चे, ओए चलो गंदे बच्चे चलो उधर। ये फ्रेंड देखें, इसने सुसु की है इस हमारे नमूने ने, और अभी ये मेरे पास बार बार आ रहा है क्योंकि इसको चाहिए दूध, इसको दूध मैं ही पिलाता होता हूँ, तो ये भी बार बार मेरे पास आ रहा है। अभी ये देखें गंजे वाले चिक्स भी आ गए बीच में, तो एक ये बाहर रह गया। इधर आओ इस साइड पे, और ये इनको अभी दाना वगैरह डाला, ये शामू को, किलियों को, असील को, और ये फैंसी वगैरह सब खा रहे हैं। तो फ्रेंड ये देखें माशाल्लाह हमारे ऑस्ट्रेलियन बैठे हुए हैं, इनकी भी आपस में सेटिंग तो हो गई है। और ये इनका ओल्सियम, तो ये डाल रहे हैं फ्रेंड, ये इनका ओल्सियम है, ये इनकी फीड है, और ये इनका मैंने पानी रखा है। तो ये माशाल्लाह इनकी सेटिंग हो गई है, अब इनके लिए मिनी जू में जो है ना शेड तो तैयार हो चुका है, बस मिनी जू में इनको जो है ना रखेंगे इंशाल्लाह सेपरेट, ताकि ये एग वगैरह वहाँ पे इजीली दे सके। ऑस्ट्रेलियंस कैसे हो, क्या कर रहे हो, अंडे वगैरह नहीं देने, अंडे वगैरह दो यार, तुम लोगों की नस्ल बड़े ब्रीड करो यार, कलरफुल पैरट्स दो हमें। तो फ्रेंड्स अभी ये हम आ गए हैं मर्सिडीज के पास, ये है हमारी मर्सिडीज, ये एक टाइल वाली, तो इस पे हम अभी टाइल्स वगैरह लेके आएंगे जितनी आ सकेंगी, क्योंकि प्लाट थोड़ा दूर है, तो उसके ऊपर लेके आनी है, प्लाट थोड़ा दूर है ना उस साइड पे, मोटरवे की उस साइड पे है, तो हमें थोड़ा सा ट्रैवल भी करना है पैदल इसके साथ मर्सिडीज़ के साथ। तो चलिए चलते हैं उस प्लाट पर, टाइल्स वगैरह लेते हैं, फिर वापस आते हैं और अगला काम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम निकल आए हैं, जा रहे हैं पैदल, तो लेके आएंगे टाइल्स, तो मैं भी आपको व्यू भी दिखाता हूँ सारा। ये देखें
बकरे वगैरह और ये पेड़ वगैरह सारी चल रही हैं। फ्रेंड्स इधर ना हमारे एक भाई हैं, उन्होंने ना बहुत बड़ा जो है ना पिंजरा बनाया हुआ है कबूतरों का, देखें तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा उन्होंने कबूतर और बाकी चीज़ें रखी हैं सारी। वो सामने मोटर है फ्रेंड्स, ये वाली तो ये फ्रेंड्स सामने मोटर है। तो ये फ्रेंड्स अभी आसम भाई के हम आगे हैं इधर डेरे पे, तो उनके ये चिक्स वगैरह हैं और मुर्गे वगैरह उन्होंने रखे हुए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी नस्ल के। जो मेरे पास है ना असील, वो तो कुछ भी नहीं है, इनके बराबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने एक रखा हुआ है माशाल्लाह, और ये देखने बताया भी फिर रहे हैं कुत्ता भी अलर्ट हो गया, कुत्ते को जो है ना अभी जोश चढ़ गया। ये इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सारे कबूतर वगैरह भी रखे हैं, छत ऊपर पूरा जो है ना इन्होंने कबूतरों का सेटअप बनाया है। और ये बकाया भी उन्होंने पिंजरे वगैरह रखे हैं बाकी जो है ना परिंदों वगैरह के लिए। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा कि आसम भाई ने बहुत ही प्यारा सेटअप बनाया हुआ है, अंदर अपने कबूतर अलग रखे हुए हैं, सारे मुर्गे वगैरह अलग अलग हर नस्ल के रखे हुए हैं। तो मेरा दिल किया मैंने कहा वीडियो बना लूँ। तो अभी हम ये एंटर हो चुके हैं, इसके नीचे ऊपर मोटर वे है और ये नीचे टनल बना हुआ है, मतलब इधर से हम क्रॉस करके उस पार जा सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे प्लाट पे, तो अभी उधर भी आपको दिखाएंगे जगह, वहाँ पे भी ज़्यादा पठान ही है, वादी बहुत कम हुई है वहाँ पे अभी, तो जाके आपको वो भी दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच आए हैं अपने प्लाट पे, ये हमारी बैक साइड पर मोटर वे है सारा, पेशावर मोटर वे। और ये है बेसिकली ये मेरे ना कज़न का प्लॉट है ये वाला, तो उन्होंने पहले यहाँ पे अपने चिक्स वगैरह रखे हुए थे, तो फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया क्योंकि वो आगे पिंडी में रहते हैं सिटी में, तो फिर उनके लिए यहाँ पे ट्रैवल जाना करना वो बहुत मुश्किल था, दूर था, उन्होंने ये कमरा भी बनाया हुआ था ऐसे। तो ये अभी ये पड़ी हैं टाइल्स, ये वाली टाइल्स फ्रेंड में लेके जानी और ये वाली, तो अभी ये उठाते हैं रेडी में रखते हैं, सारी तो नहीं एक रेडी, एक दफ़ा एक कर महंगी तो इनको अलहदा अलहदा ले कर जाना पड़ेगा। तो अभी ये डालते हैं, धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, तभी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम ये टाइल जोड़ रहे हैं, ऐसे रखेंगे तकरीबन 6-1 टाइल ले कर जाएंगे रेडी में रखेंगे, वो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी अरसे से पड़ी हुई हैं, इनको तकरीबन 4-5 साल हो गए ये टाइल्स ऐसे ही पड़ी हुई हैं। फ्रेंड इसमें ना अब तरतीब से रखनी पड़ेगी सारी, ताकि जो है ना बकाया भी आ सके। तो फ्रेंड्स हमने ये रेडी भर ली है इसकी टाइल्स की, ये देख सकते हैं आप। तो अभी हम इसको धक्का लगा के लेके जाएंगे अपने मेज होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम रवाना हो चुके हैं, तो ये काफ़ी ज़ोर ले रही है, तो मुझे तो फ्रेंड्स इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, और इस लोड के साथ तो ये मर्सिडीज़ कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच आए हैं अपने डेरे पे मिनी जू पे, और ये देख सकते हैं पसीना बहुत ज़्यादा पसीना आ गया है, और ये हम मर्सिडीज़ को भी ले आए हैं साथ लोड करके। तो अभी फ्रेंड्स मैं ना ये सारा काम स्टार्ट करूँगा, और इसका बाकी काम मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, काम भी कर रहा सारा, तो पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करके उसके बाद फिर वो अगले व्लॉग में दिखाऊंगा। और अभी जो अपने भाई को इजाज़त दें, और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और दुआओं में याद रखना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।